हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूरोपियन यूनियन। लास्ट सेशन में हमने फैक्टर्स के जिस वजह से जो यूरोपियन यूनियन है वो सक्सेसफुल रहती है, तो आज हम करेंगे यूरोपियन यूनियन में इसके क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं एंड इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है, हम कहते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रीजनल कोऑपरेशन किया है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं एंड इसने अपनी प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी डिफाइन किया है कि ये किस एरिया में काम करेंगे। तो पहले हम करते हैं प्रायोरिटीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इनकी प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। यूरोपियन यूनियन में आज के टाइम में 27 मेंबर नेशंस हैं, तो जी नेशन में फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस को इंक्रीज करना ही इनका मेन पर्पस है। जी कहते हैं कि हर एक पर्सन को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इवन कि टेररिज्म है इससे भी फ्री होना चाहिए। इसीलिए टेररिज्म क्या है, इससे फ्री होना ड्रग ट्रैफिकिंग है। अगर हम इससे फ्री होंगे तभी अपनी कंट्रीज़ को, अपने लोगों को सिक्योर कर पाएंगे। और जी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इक्वल राइट्स होने चाहिए, मैन एंड वुमन पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो जी जस्टिस प्रोवाइड कराना प्रेफर करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रायोरिटीज हैं उनमें फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पर है। एंड नंबर टू, कीपिंग द पीस। जे नहीं चाहते कि जो दोबारा से वॉर में इन्वॉल्व हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, जिससे इनकी इकॉनमीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब जे चाहते थे कि उनकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय ना हो, उनकी इकॉनमी डिवेल्प हो, और डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरी है पीसफुल इन्वायरमेंट का होना, तो जे पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं जे आपस में कोई कंपटीशन नहीं करियाँ, जे आपस में यूनाइट होकर काम करती हैं जिससे जे पीसफुली डिवेल्प कर सके। फ्री मोबिलिटी। फ्री मोबिलिटी किसकी? जे कहते हैं सिर्फ कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज की नहीं, इवन कि जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, इनकी भी फ्री मोबिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने टैक्स फ्री, कस्टम ड्यूटीज हैं वो सभी इक्वल लगा रखी हैं। इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्ट पॉलिसी कॉमन है। तो ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मेंबर नेशंस हैं, इन मेंबर नेशंस में जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर का होना चाहिए। जब फ्री फ्लो होगा तब जो आपस में प्रोस्पेरिटी कर पाएंगे, डिवेल्प कर पाएंगे, जिनकी टॉप प्रायोरिटीज में ही आता है। इसीलिए वहाँ पर आज के टाइम में एक ही पासपोर्ट दिया जाता है जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, वो किसी भी कंट्री के मेंबर्स हों, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री के मेंबर्स हैं तो उनके लिए यूरोपियन यूनियन का ही पासपोर्ट होगा। तो ये फ्री मोबिलिटी को टॉप प्रायोरिटीज में रखते हैं। नेक्स्ट इज मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो अपने आप को इकोनॉमिकली डिवेल्प करना चाहते हैं, इकोनॉमी को डिवेल्प करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों कौन सी प्रॉब्लम है? ये इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए तो ये कहते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, अगर इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट होगा। 1952 में इन्होंने स्टील एंड कोल कम्युनिटी है इसको डिवेल्प किया था, जिसके थ्रू जो बेसिक गुड्स हैं स्टील एंड कोल, उसकी फ्री मूवमेंट की गई थी। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिवेल्प करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट है इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से डिवेलपमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी रिड्यूस होती है। जो एम्प्लॉयमेंट है, पूरे यूरोप में वीज़ा फ्री एंट्री है, जिससे एक कंट्री के लोग अनदर कंट्री में आ सकते हैं एंड वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट, टेक्नोलॉजी को डिवेल्प करना जी चाहते हैं। रिसर्च एंड डिवेलपमेंट होनी चाहिए। जी न्यूक्लियर पावर नेशन है,
मीनिंग इनके पास न्यूक्लियर पावर है। जो न्यूक्लियर पावर है ये अपनी मेंबर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो एक्सेसिव पावर है और अदर कंट्रीज को सेल भी करते हैं। जे एजुकेशन पर, रिसर्च पर, साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज इंडस्ट्री बना रखा है, जिस वजह से जे डिवेल्प कर रहे हैं। तो जे इनकी टॉप प्रायोरिटी थी, है और रहेगी टेक्नोलॉजिकली डिवेलपमेंट करना, ताकि जे वर्ल्ड लेवल पर सुपर पावरफुल कंट्रीज बन सके। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जे हर एक कंट्री का आज के टाइम में एम होता है कि हम इन्वायरमेंट को सेव करें। तो जे क्लाइमेट को सेव करने के लिए कोटो प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। जे इसके लिए काम कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट को ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करना, अपनी इंडस्ट्री को उस लेवल तक लेकर आना ताकि कार्बन एमिशन है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट इज द कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। सिक्योरिटी पॉलिसी मीन्स डिफेंस की पॉलिसी है। इनकी जो पॉलिसीज क्या हैं, कॉमन पॉलिसीज हैं, जिसमें क्या होता है, सारे यूरोपियन यूनियन के लिए एक ही कॉमन पॉलिसी बनाई जाती है कि उनका फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन रिलेशंस है वो कैसे होंगे, किन के साथ डिवेल्प करना है, इनकी कस्टम ड्यूटीज हैं वो भी कॉमन होती हैं। तो डिफेंस पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी है वो भी सेम है। इन्होंने पहले मिलिट्री कोऑपरेशन किया था ताकि जो चेन नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर है इससे अपने आप को बचा सके। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। तो इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए भी कॉमन पॉलिसी है, इसको इस्टेब्लिश किया है। कॉमन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि जो सरप्लस हो वो सरप्लस को सेल कर सके। एंड जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो वहाँ पर एग्रीकल्चर में जो लेबर काम करती है उनकी इनकम है, इनकम को इंक्रीज किया जा सके। तो इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी भी कॉमन पॉलिसी है, जिनकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना अगर हम इसको डिवेलप नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी प्रॉब्लम हमको ही होगी। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवेलप करना भी टॉप प्रायोरिटीज में ही आता है। एनर्जी, एनर्जी के बिना आज के टाइम कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगा लो, जे भी एनर्जी में ही आती है। इलेक्ट्रिसिटी को डिवेलप करना इन्होंने कॉमन ग्रिड सिस्टम कर रखा है। रशिया से इनकी गैस आती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि जे अपनी सफिशेंट सप्लाई है उसको डिमांड के साथ मीट कर पाए। तो रशिया के साथ जो आज के टाइम में यूक्रेन प्रॉब्लम चल रही है, गैस इनफ्लो वो कम हो रहा था, तो इस टाइम यूरोपियन एंड रशिया के गैस फ्लो की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो एनर्जी को टॉप प्रायोरिटीज में रखती हैं ताकि पूरे यूरोपियन यूनियन मेंबर नेशंस हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की कोई कमी ना हो। नेक्स्ट इज रीजनल डिवेलपमेंट। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो डिवेल्प हैं, लेकिन जब 2004 में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनती है, तो पहले वो इतनी ज़्यादा डिवेल्प नहीं थी। उनको भी डिवेल्प करना इनकी प्रायोरिटी थी कि जो नई कंट्रीज ऐड हुई हैं उनकी भी HDI वैल्यू है ज़्यादा होनी चाहिए, उनका रैंक को इम्प्रूव करना इनकी टॉप प्रायोरिटीज में आता था। एजुकेशन एंड रिसर्च, जो हर एक कंट्री की प्रायोरिटी होती है, वहाँ के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको एजुकेशन दी जाए, रिसर्च पर एक्सपेंडिचर किया जाए ताकि उनकी इकोनॉमी डिवेल्प कर सके। जो ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल के लिए काम करती है। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा इकोनॉमी डिवेल्प करेगी कैसे। सोशल पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन स्टार्टिंग से ही अपनी सोशल पॉलिसी के लिए फेमस है, जे स्टार्टिंग से ही सोशल वेलफेयर कर रहा है, जे इक्वालिटी प्रिवेल करवाने के लिए बहुत एफर्ट्स करता है, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इवन कि जे बहुत सारी डिवेलपिंग कंट्रीज हैं
उनमें भी उन लोगों की सोशल लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो ये यूरोपियन यूनियन की प्रायोरिटीज हैं जिसके अकॉर्डिंग ही इसकी वर्किंग होती है, पॉलिसीज हैं वो बनती हैं। नाउ चैलेंजेस टू यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है इसकी प्रायोरिटीज तो हैं, प्रायोरिटीज को फुलफिल करने के लिए इसको कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज इशू ऑफ वोटिंग। वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। यूरोपियन यूनियन की अपनी काउंसिल है, अपनी पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, एडवाइजरी काम करती है। तो वहाँ पर जो वोटिंग होती है, वोटिंग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो रिच एंड डेवलप्ड कंट्री हैं जिनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में मेंबर्स भी ज़्यादा हैं। और कुछ कंट्रीज हैं जिनके 6-7 मेंबर्स हैं, किनके 90-95 मेंबर्स हैं। इस तरह वोटिंग का इशू रहता है। जितने भी डिसीजन हैं ऑल्दो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से साथ लिए जाते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी वोटिंग के लिए इशू क्रिएट रहती है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस इन साइज, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंस होने के लिए सभी मेंबर स्टेट्स को इक्वल वोटिंग नहीं मिलती है। जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये क्या हैं, डेवलप्ड एंड लार्ज कंट्रीज हैं। तो ये क्या करती हैं, अफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह जो इशू है वोटिंग पर वो हमेशा से ही चलता रहता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल सॉवरेंटी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक यूनिटी क्रिएट की, इन्होंने यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी है इसको डिवेलप करते हैं। तो पहले मिलिट्री अलायंस करते हैं, नाटो को इस्टेब्लिश करते हैं जिसके मेंबर्स बन जाते हैं। तो मिलिट्री अलायंस, फिर उसके बाद इकोनॉमिक अलायंस, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, और उसको अचीव करने के बाद जब पॉलिटिकली यूनाइट होना स्टार्ट कर जाते हैं, तो पॉलिटिकली यूनाइट होना जो मेंबर नेशन है उनके जो सॉवरेंटी है इसके लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जो इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन जाती है, और इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं, देश की सॉवरेंटी के लिए हमेशा ही थ्रेट बनी रहती है। और जी तो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इस तरह ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू यूरोपियन यूनियन। देन प्रॉब्लम ऑफ कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी क्या है, यूरो है, तो जिसको 2000 से स्टार्ट किया जाता है। तो जो कॉमन करेंसी है पूरे यूरोप यूनियन के लिए यूरो को इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग यूरो जोन में 19 स्टेट्स इंक्लूड हो जाते हैं जिनके प्राइमरी एंड लीगल टेंडर मनी क्या है, यूरो है। लेकिन स्टिल बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरो को प्राइमरी कंट्री नहीं मानती हैं, जैसे डेनमार्क, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, स्वीडन, हंगरी हैं, वो अपनी करेंसी को यूरोपियन यूनियन में सरेंडर करने को रेडी नहीं है। वहाँ पर उनकी अपनी करेंसी प्रिवेल करती है, तो यूरो उनकी सेकेंडरी करेंसी बन जाती है। इस तरह कॉमन करेंसी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। देन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, क्योंकि जो 2004 में इंक्लूड होती हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वो इतनी डिवेलप नहीं थी। जब सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद कंट्रीज इंक्लूड होनी स्टार्ट होती जाती हैं। 93 तक इसमें 12 मेंबर्स थे, तो आज के टाइम में 27 मेंबर्स हो गए हैं। तो जिस अभी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, इनकी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी। तो इस तरह ये क्या होते हैं, इसके लिए चैलेंज है कि उन कंट्रीज को भी डिवेलप करना है। तो इन्होंने क्या किया, जब कंट्रीज हैं सोवियत यूनियन के क्लच से फ्री होती हैं, तो इस तरह वो जब यूरोपियन यूनियन में इंक्लूड हो जाती हैं,
तो उनके जो मेंबर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं डिवेल्प स्टेट्स की तरफ, वहाँ पर लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं, माइग्रेशन होती है, क्योंकि वो लेस डिवेल्प कंट्रीज थी, लोग फ्री एंट्री है, तो लेस डिवेल्प कंट्री से डिवेल्प कंट्री की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जो ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर इंग्लैंड की पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही थी, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर था। इसीलिए जो ब्रेग्जिट है, ब्रेग्जिट होता है इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन को छोड़ता है, तो इस तरह एक माइग्रेशन इनफ्लो है वो भी बहुत बड़ा कोज बन जाता है। तो ये डिवेल्प कंट्रीज के लिए माइग्रेशन प्रॉब्लम है एंड उनके लिए अननेसेसरी बर्डन बन गया कि इस यूरोपियन कंट्रीज है, इन कंट्रीज को इनको डिवेल्प करना है। नेक्स्ट इज अमेरिकन चैलेंजेस, मीनिंग अमेरिका सुपर पावर था, वो नहीं चाहता कि अदर कंट्रीज ही सुपर पावर बन सके, लेकिन यूरोप यूनाइट होकर सुपर पावर बन चुका है, तो इसलिए अमेरिका वरी हो जाता है फ्रॉम ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड वो इसके लिए एक थ्रेट बन जाता है। आज के टाइम में मल्टीपोलर चल रहा है, पहले क्या था यूनिपोलर, बाईपोलर, जब कोल्ड वॉर चल रही थी बाईपोलर, बाईपोलर में कौन आ रहा था, अमेरिका एंड रशिया, उसके बाद यूनिपोलर जिसमें अमेरिका आता है, मल्टीपोलर जिसमें हम कहते हैं सिक्स सुपर पावर्स हैं, यूएसए हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया एंड यूरोप हो गया। तो जो अमेरिका है इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि किसी अदर कंट्री का इन्फ्लुएंस उससे ज़्यादा इंक्रीज हो सके, इसलिए ये चैलेंज है टू अमेरिकन प्राइड और वो ये नहीं चाहता कि ये इतना ज़्यादा डिवेल्प हो सके। नेक्स्ट इज यूरोजोन एंड डेट क्राइसिस, मीनिंग यूरोजोन में डेट क्राइसिस आता है जो मिड 2009 से स्टार्ट होता है 2010 तक चलता है, जिसमें ग्रीस से स्टार्ट होके पुर्तगाल, आयरलैंड, स्पेन, साइप्रस या इन कंट्रीज में आ जाता है, जिससे अदर कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। तो जो यूरोजोन की कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को इतना ज़्यादा लोन ले लेती हैं कि अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट हैं इसको भी रीपे नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए दे आर अनेबल टू रीपे देयर पब्लिक डेब्ट। तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बेल आउट पैकेज की, तो यूरोपियन यूनियन है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है अपनी करेंसी की वैल्यू को स्टेबल करने की, क्योंकि जब इन कंट्रीज में क्राइसिस आया है, डेट क्राइसिस है, यूरो की जो वैल्यू है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो इसीलिए उस टाइम जे IMF से बेल आउट पैकेज लेते हैं। एंड 2008 से क्या होता है, जब आइसलैंड है उसका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद जे क्राइसिस इंक्रीज होता जाता है, तो इस तरह एक कंट्री में क्राइसिस आता है जो सभी कंट्रीज के लिए एक चैलेंज बन जाता है। एंड लास्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफेंस पॉलिसीज, जो डिफेंस पॉलिसीज हैं इनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम में जो नाटो है, नाटो की इम्पोर्टेंस रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफेंस पॉलिसीज, जो और भी ज़्यादा मिलिट्री अलायंस करते जा रहे हैं। तो आज के टाइम में जो स्मॉल स्टेट्स हैं लाइक एस्टोनिया, लेटविया, वो क्या करती हैं, वो ये कह रही हैं, स्टेटमेंट दे रही हैं यूक्रेन वॉर के बाद कि रशिया है वो हमको हमारे मैप से रिमूव ही कर देगा, क्योंकि जब रशिया ने एस्टोनिया कंट्री पर एयर सुपरविजन की थी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और परमिशन, तो जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया नाटो का मेंबर है, लेकिन नाटो कंट्रीज ने कुछ भी नहीं किया, तो आज के टाइम में इनको थ्रेट है कि जो डिफेंस पॉलिसीज हैं कि हमको वो सेव कर पाएंगे जे नहीं कर पाएंगे, तो जे यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जो रशिया के साथ नेबरिंग कंट्री हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, तो इस तरह यूरोपियन यूनियन के आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑल्दो जे सक्सेसफुली वर्क करता जा रहा है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हमने इस सेशन में प्रायोरिटीज एंड चैलेंजेस किए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लिस्बन ट्रीटी करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।